दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग आपसे चर्चा या बात करेंगे कि MDU के अंदर, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के अंदर, अभी काफ़ी बच्चों के एग्जामिनेशन पेंडिंग है जिनकी कोई डेट शीट भी नहीं आई है या उनके एग्जाम नहीं हुए और काफ़ी बच्चों के एग्जाम चल भी रहे हैं। तो इसमें जिनके पेंडिंग है बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, या काफ़ी बच्चे और कोर्सेज है जिनके डेट शीट या एग्जाम नहीं हुए हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को पता है कि MDU यूनिवर्सिटी ने किसी भी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई उसको कोविड है या कोई और भी चीज़ें हैं जिसके लिए वो अपना एक्सक्यूज ले सकता है, तो काफ़ी टाइम पहले MDU ने अपना SOP निकाला था कि भाई कौन कौन बच्चा जो है MDU से अपने ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पर जो परमिशन देने और लेने का जो सिलसिला चला हुआ है, तो वहाँ पर जो है MDU के पास अजीब गरीब केस आ रहे हैं और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी स्टूडेंट्स कि MDU यूनिवर्सिटी काफ़ी बच्चों की जो ऑनलाइन एग्ज़ाम की जो रिक्वेस्ट है उसको क्या है, दरकिनार कर रही है, यानी कि उसको रिजेक्ट कर रही है। अब देखिए गाइस, रिजेक्ट करने का रीज़न क्या है कि MDU क्यों बच्चों को ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दे रहे, इसमें कुछ ना कुछ तो देखिए MDU यूनिवर्सिटी की भी खामियां हैं। पर एक और बात जो चौंका देने वाली MDU यूनिवर्सिटी ने अभी जारी करी है 2 दिन पहले एक न्यूज़पेपर के माध्यम से, उसमें जो बच्चे ऑनलाइन परमिशन के लिए आ रहे हैं तो वो जो अपना एक्सक्यूज दे रहे हैं वो बड़ा ही विचित्र है। और उसको देखकर MDU के यूनिवर्सिटी के जो संचालक हैं, जय यूनिवर्सिटी में जो बैठे हुए हैं, जो यूनिवर्सिटी में जो इन चीज़ों को देखते हैं, तो वो इन चीज़ों को देखकर काफ़ी परेशान है और बच्चे अजीब तरह के एक्सक्यूज बच्चों जो है यूनिवर्सिटी के सामने रख रहे हैं। तो गाइज वहाँ पर जो है 90% जो परमिशन है वो डेफिनेटली क्या डिनाई की जा रही है। इसमें बच्चों की भी काफ़ी गलतियाँ हैं और कुछ जो यूनिवर्सिटी की जो गलती है कि उसने इस प्रकार का जो एक ये जो सिस्टम बनाया है कि भाई ऑनलाइन परमिशन किसको दे या किसको ना दे, बाकी जो रेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी हरियाणा में चौधरी रणवीर सिंह है, कुरुक्षेत्र है, बाकी कुछ और यूनिवर्सिटी है, वो तो बच्चे ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी बच्चे अपनी च्वाइस देना चाहे अपनी खुद की विल से तो वो बच्चे ले सकते हैं। बट MDU यूनिवर्सिटी एक मात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने क्या है हर टर्म्स एंड कंडीशन पर ही क्या है बच्चों को ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए परमिशन या छूट दी है। तो यहाँ पर एक न्यूज़पेपर में बड़ी अजीब और गरीब चीज़ें जो यूनिवर्सिटी ने बताई हैं बिल्कुल लाइव आकर, तो वो चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को भी जो बच्चे ऑनलाइन परमिशन के लिए सोच रहे हैं कि भाई उनको अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड उनकी डेट शीट नहीं आई या कुछ टाइम बाद उन लोगों को अपने एग्ज़ाम देने हैं, तो वो इस प्रकार की गलती बिल्कुल भी ना करें जिसके कारण जो है फर्स्ट चांस के अंदर आपकी जो ऑनलाइन एग्जाम देने की जो रिक्वेस्ट है उसको खारिज या रिजेक्ट किया जा सके। तो गाइस देखिए, एक न्यूज़पेपर में मैं आपको बताऊंगा, आपके स्क्रीन पर ये न्यूज़पेपर आ भी गया होगा, इसमें देखिए क्या लिखा है, आप ध्यान से इस चीज़ को समझिए कि भाई क्या है कि MDU की ओर से इंजीनियर की परीक्षा आज से, बार कोड स्कैन करने पर पता चला है कि कोरोना रिपोर्ट बने फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट। यानी कि कहने का मतलब गाइस ये है कि देखिए यूनिवर्सिटी को तो वैसे तो ये फैसिलिटी देनी चाहिए थी, अगर बच्चों को ये फैसिलिटी नहीं दी तो बच्चे भी अपने तरह तरह के जो एक मतलब जुगाड़ हैं या फिर तरह तरह के जो जैक लगवा रहे, तो यहाँ पर जो अजीब गरीब जो बच्चे हैं मतलब वो क्या है, या तो कोविड रिपोर्ट किसी की कॉपी पेस्ट करके लेके आ रहे हैं और उसको बार कोड स्कैन किया जा रहा है तो वहाँ पर वो रिपोर्ट फर्जी मिल रही है, या फिर माता पिता से बात कराई जा रही है कि भाई इनको लेकर काफ़ी दिक्कत है, भाई मुझे काफ़ी गंभीर बीमारियाँ हैं, तो इस प्रकार के काफ़ी स्टूडेंट यानी कि 310 स्टूडेंट को बाहर का रास्ता क्या दिखाना पड़ा। तो गाइज़ मैं रिक्वेस्ट एक करना चाहूँगा, देखिए इसमें अजीब अजीब सी चीज़ें बताई गई हैं, अगर आप MDU से अपनी कोई भी ऑनलाइन परीक्षा के लिए अपना आवेदन करना चाहते हैं कि आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाए, तो इसमें जो इन्होंने गलतियां बताई हैं प्लीज़ वो गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर आपकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, अगर आपको सच में कोई दिक्कत है, तो गाइज इस प्रकार की चीज़ों का आप सहारा ले सकते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पर जब आपकी जो रिपोर्ट जाती है, जब आप ऑनलाइन के लिए अप्लाई करते हो, जो आपकी फ़ाइल को रीड करता है, वो डेफिनेटली क्या है इसको क्या है कैंसिल भी कर सकता है। तो यहाँ पर अजीब अजीब चीज़ें जो है बच्चों के सामने निकल के आ रही हैं, तो इसीलिए क्या है गाइज यहाँ पर साफ साफ यूनिवर्सिटी ने बताया गया है, अगर स्टूडेंट की समस्याओं को देखते हुए उन्हें ऑनलाइन ऑफलाइन में एक विकल्प चुनना है, गाइडलाइन के मुताबिक स्टूडेंट को ऑनलाइन या ऑफलाइन का विकल्प भी दिया गया है, पूरे दस्तावेज नहीं है या उन दस्तावेजों में कुछ खामियां हैं, इसलिए क्या है उनकी जो रिक्वेस्ट है
उसको क्या है दरकिनार या रिजेक्ट किया जा रहा है। तो गाइज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी बच्चों से कि जो इस प्रकार की जो दिक्कत है या प्रॉब्लम है भाई, आप इस प्रकार के झूठे डॉक्यूमेंट जो वहाँ यूनिवर्सिटी में लगा रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप ना लगाएं। अगर आपका कोई जेन्युइन केस है, अगर आपको सच में कोई दिक्कत है या प्रॉब्लम है, डॉक्टर से भी काफ़ी बच्चे झूठ मूठ चीज़ें लिखवा के लेके आ रहे हैं, वो भी चीज़ गलत है। देखिए परमिशन सिर्फ उनको मिलती है जो डेफिनेटली जो बेड से उठ नहीं सकते या सिर्फ बैठे बैठे काम कर सकते हैं। तो गाइज ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, ऐसा करने से आप लोगों का और यूनिवर्सिटी का टाइम भी वेस्ट होता है। बाकी गलती तो सारी एमडी यूनिवर्सिटी की, भाई दो ऑप्शन देना ही नहीं चाहिए थी। जो अपनी स्वयं की विल से अगर चाहते हैं कि मुझे ऑनलाइन एग्जाम देना है तो उसको मौका देना चाहिए था और इस प्रकार की दिक्कतें उनके साथ ना होती। तो गाइज मैं एक चीज़ की आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपनी ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजने से पहले जो सही और एक्यूरेट चीज़ें हैं प्लीज़ वही भेजें। और अगर आपने सही और ईमानदारी से जो भी SOP में MD यूनिवर्सिटी ने निकाला था, अगर वो चीज़ आपने उनके सामने भेजी है तो डेफिनेटली आपको परमिशन मिल जाएगी। अगर आपने कोई झूठी रिपोर्ट लगाई है, कोई गलत मेडिकल लगाया है या गलत सलह तरीके से आप यूनिवर्सिटी जाके एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो 101% क्या है आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम देने का जो सपना है वो चकनाचूर या बिल्कुल टूट सकता है। तो इस बातों से ध्यान रखते हुए आप ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे आपको भविष्य में काफ़ी दिक्कत हो सकती है, इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा। अब यार यहाँ पर जो बाकी और जो रेस्ट ऑफ स्टूडेंट जो कमेंट्स वगैरह करते रहते हैं, सर हम क्या करें क्या ना करें, मैं वहाँ रहता हूँ, ये सारी चीज़ें, तो गाइस घबराने की कोई बात नहीं है। जिस बच्चे की जो भी एलिजिबिलिटी बन रही है उसके हिसाब से अपना एग्ज़ाम दो। अब आपको जैसे तैसे अपने एग्ज़ाम देने पड़ेंगे गाइस, ताकि टाइम से आप लोग पास आउट हो जाए और आपकी डिग्री मार्कशीट आ जाए और आगे चल के कुछ रोज़गार आपको क्या मिल सके। तो गाइस इस वीडियो में मैं सिर्फ यही बताना चाहता था कि बच्चे किस प्रकार की चालाकी करके गलत सलत डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी में दे रहे हैं और वहाँ पर वो लोग पकड़े जा रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार का कोई फ्रॉड या 400BC वाला काम आप ना करें। पहली नज़र में ही जो ऑब्जर्व है वो आपकी फाइल को कैंसिल कर देता है। तो गाइज आज की वीडियो इतने ही। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ इसके लिए लाइक शेयर एंड कमेंट। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तो टिल देन मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।